किसानों को नीलगाय से छुटकारा दिलाने के लिए AIKKMS ने वैशाली जिला के महुआ के गांधी स्मारक चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वनाथ साहू एवं संचालन ललित कुमार घोष ने किया। इस कार्यक्रम के तहत सरकार से जल्द किसानों को नीलगाय, घोड़प्रास एवं जंगली सुगरों से रक्षा करने की गुहार लगाई गई। इस संबंध में वक्ताओं ने कहा कि पिछले 2 सालों से नीलगाय भगाओ किसान बचाओ आंदोलन चल रहा है। जिले के हर प्रखंड पर धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही है, जिसके कारण किसानों को नीलगाय, घोड़प्रास और जंगली सुगर से काफ़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। लोगों ने कहा कि जल्द अगर किसानों को नीलगाय और जंगली जानवरों से छुटकारा नहीं मिलेगा तो AIKKMS सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान मुक्तिनाथ सिंह, राम पुकार सिंह, भूषण राय, दिनेश राय, शोभित शर्मा, राम बाबू राय, शशिभूषण कुमार, रत्नेश कुमार, अनिल राय, नवल राय सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। किसानों को मिल गया तो कुछ भी क्यों नहीं, बिहार सरकार जवाब दो। किसानों को मिल गया घोड़प्रास तो कुछ भी क्यों नहीं, बिहार सरकार जवाब दो। किसानों को घोड़प्रास तो कुछ भी क्यों नहीं, बिहार सरकार जवाब दो। जवाब चाहिए, जवाब दो। इनकलाब चिंता है कि किसान घोड़प्रास के कहर से त्रस्त है, डीजल पेट्रोल रसोई गैस के अनमाना मूल्य वृद्धि से त्रस्त है, और सरकार कुछ दिन पहले नियम बनाई थी कि वैशाली जिला सहित पूरे बिहार को घोड़प्रास मुक्त किया जाएगा। उसकी उस काम का शुरुआत भी हो चुका है, लेकिन विश्वास सूत्रों से मालूम हुआ है कि सरकार कह रही है कि खर्च हमारे पास नहीं है। इसलिए हम आज फिर से आंदोलन का आगाज करते हैं कि नीलगाय को गाड़ने और मारने का सरकार हर हालत में वो बंदोबस्त पैसा का करे, और नहीं करेगा तो फिर हम लोग कानून भंग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कानून भंग आंदोलन करेंगे जब तक घोड़प्रास से मुक्ति वैशाली जिला को नहीं मिलेगी।